डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुहब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बच गए थे जिनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल 6 आज हम डिस्कस करेंगे, दी क्यूटेंट्स रूल। इसमें क्या होगा, अगर अपने पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हैं यू और वी जो कि डिवाइड है एक दूसरे से, तो इनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो u अपॉन v को देखो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला है, जो v है इसका हम स्क्वायर कर देंगे v स्क्वायर। उसके बाद हम लिखेंगे v, फिर डेरिवेटिव करेंगे u का जो हो जाएगा du बाई dx, फिर बीच में आएगा नेगेटिव साइन। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोडक्ट में तो यहाँ पे पॉजिटिव आता था और क्वोटेंट में यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब देखो हमने v को लिख दिया, u का डेरिवेटिव कर दिया। अब हम u को एज इट इज लिख देंगे और v का डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाता है u अपॉन v का। क्लियर है? इसको अपने को अच्छे से लर्न करना है फॉर्मूले को। कैसे करना है देखो, ये जो नीचे होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद इसी को यहाँ पे लिखेंगे पहले, उसके बाद दूसरा जो है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर नेगेटिव साइन आएगा बीच में। अब u का हमने कर दिया, तो अब u को ऐसे के रखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर है? ये हो गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो अगर आपसे कोई पूछता है d अपॉन dt, d अपॉन dt का मतलब डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, t के में किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन। इसका आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस यू को, इसको तो हम यू कंसिडर कर लेंगे, और टी स्क्वायर प्लस वी को हम वी कंसिडर कर लेंगे। तो फॉर्मेट हो गया यू अपॉन वी का। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे। अब तो देखो सोल्व कैसे करते हैं, तो नीचे लिखेंगे वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब इस टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे वी, वी का मतलब टी स्क्वायर प्लस वन, और डेरिवेटिव करेंगे किसका, यू का, यू का मतलब टी स्क्वायर माइनस वन, बीच में फिर नेगेटिव साइन, फिर यू को एज इट इज लिख देंगे, तो यू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन। और इस बार अपने को डेरिवेटिव करना है वी का, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखो ये है टी स्क्वायर प्लस वन, इसको एडिटिव हम लिख लेंगे टी स्क्वायर प्लस वन। अब डेरिवेटिव करना है टी स्क्वायर माइनस वन का, देखो इसको कैसे करेंगे, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर माइनस वन, तो इनको अलग अलग लिख लेंगे दोनों को, तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी टी वन। देखो टी स्क्वायर का तो हो जाएगा टू टी, बिकॉज पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो, तो हो जाएगा टू टी। तो टी स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, टू टी, तो इसका डेरिवेटिव हम लिख देंगे टू टी। उसके बाद देखो नेगेटिव साइन, उसके बाद ये वाला टर्म्स एज इट इज हम लिख देंगे, और अब डेरिवेटिव करना है टी स्क्वायर प्लस वन का। देखो टी स्क्वायर प्लस वन होता तो बस यहाँ पर प्लस हो जाता, तो ये भी टू टी आएगा, तो हो जाएगा टू टी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो टू टी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू टी की पावर थ्री, टू टी को वन से करेंगे तो हो जाएगा टू टी माइनस, टू टी को टी स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू टी क्यूब, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा टू टी। देखो ये तो कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाई दिस टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो टू टी और टू टी ये हो गया फोर टी, तो जाएगा फोर टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर डिवाइड है दो नंबर तो उसको यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर है? ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट अपना
डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब साइन थीटा कोस थीटा, इनका कैसे करते हैं तो उसको समझते हैं। तो रूल नंबर 7 है अपना, डेरिवेटिव ऑफ, रूल नंबर 7, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन थीटा या साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, क्लियर है? तो सबका करते हैं। तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स, क्लियर है भाई? ऐसे ही जो टेन एक्स होता है इसका डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका आप कर सकते हो क्योटेंट वाला जो रूल बताया था आपको डिवाइड वाला, उससे इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो, डी बाई डी एक्स। देखो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो इसका यू बाई वी वाले फॉर्मूले से आप आसानी से कर सकते हो, यही आता है अपना आंसर, इसको करके देखेंगे, क्लियर है? उसके बाद कोट एक्स का होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है? उसके बाद सेक एक्स है, सॉरी फोर और ये फाइव, कोस एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, और लास्ट है अपना कोसेक एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, क्लियर है? तो ये डेरिवेटिव्स हैं, साइन एक्स का होता है कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, क्लियर है भाई? तो ये डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम, आपको ये दोनों ही याद होने चाहिए, बाकी सारे हम निकाल सकते हैं। देखो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो जो यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला है उससे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोट एक्स होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ पे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, वही यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, sec x होता है 1 अपॉन cos x, तो उसको भी हम कर सकते हैं u अपॉन v वाले फॉर्मूले से, सिमिलरली cosec x होता है 1 अपॉन sin x, तो इसको भी u अपॉन v वाले फॉर्मूले से हम इजीली ये डेरिवेशन निकाल सकते हैं, बाकी अपने को डायरेक्ट याद रखने हैं, क्लियर है? अगर यहाँ पे थीटा होता, देखो d अपॉन d थीटा sin थीटा, तो इसका हो जाता cos थीटा, क्लियर है? तो कुछ इस टाइप से डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं जो हमने किए हैं। अब कुछ जनरल क्वेश्चन करके देखते हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड। देखो जैसे क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे y का डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा अपना d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब।
अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको हम अलग अलग करके लिख देंगे, सेपरेट करके, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 1/x³। क्लियर है? तो यहां पर देखना कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल के हिसाब से जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा dx अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3 है ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो 1 हो गया, प्लस एक्स की पावर -3 का हम कर सकते हैं पावर रूल से, तो पावर आगे आ जाएगी -3 इंटू एक्स की पावर, एक पावर कम हो जाएगी, -3 है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट और करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2 प्लस, ये प्लस इंटू माइनस से माइनस हो जाएगा 3/x⁴। इसको नीचे ले जाओगे तो +4 हो जाएगी, तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? ऐसे ही आप कर सकते हो। देखो तो डेरिवेटिव की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये बेटर समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फिर आपको दे देगा वाई इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर को, अगर हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का होता है कोस थीटा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा देखो साइन, इसको थीटा मान लेते हो जाएगा कोस थीटा कोस एक्स स्क्वायर। अब जिसको हमने माना है थीटा उसका अपने को दोबारा से करना पड़ेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाता है 2x, तो इस 2x से अपने को यहाँ पर मल्टीप्लाई और करना होगा इसको, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई? कैसे किया हमने, देखो साइन एक्स का तो होता है कोस एक्स, और फिर जिसको हमने x माना है क्योंकि यहाँ पर x होता है तो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम थीटा या x कुछ भी मान सकते हैं, इसका फिर अपने को दोबारा से करना होता है। क्लियर है? जिसको हम चेन रूल भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। क्लियर है? ऐसे ही मान लो आपसे पूछता है इफ y इक्वल्स टू कोस ओमेगा t, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो t के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे dy वाई बाई डी टी, तो जगह डी अपॉन डी टी, वाई की वैल्यू देखो कितनी है कोस ओमेगा टी, देखो कोस थीटा का तो होता है साइन थीटा माइनस का, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। अब इस ओमेगा टी को हमने थीटा माना है तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को ओमेगा टी का, तो देखो डी अपॉन डी टी ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो ओमेगा कोस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी, तो हो जाएगा होमेगा इंटू 1 मतलब होमेगा, तो इस होमेगा टी का दोबारा से हमने डेरिवेटिव किया तो कितना आया होमेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा होमेगा साइन होमेगा टी। थैंक यू। तो ये कुछ डेरिवेटिव के रूल्स थे जिनको हमने सबको पढ़ लिया है। थैंक यू।